हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। आप सभी का मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 चैनल पर स्वागत है। तो CHO सीरीज़ का आज हम बात करने वाले हैं गायनोकोलॉजी के बारे में, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि CHO में ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन, CHO हो गया है, फिर NORSET में ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे जब थ्योरी पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे तो हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम गायनोकोलॉजी का हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है वो क्या है, फिजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड वन, इनमें से कौन सा ऐसा जो फिजिकल चेंजेस है अकर होता है कब, प्यूबर्टी के दौरान। तो क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, या फिर ग्रोथ ऑफ पीबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर होगा, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब, जब फीमेल यानी जो गर्ल होती है वो प्यूबर्टी में जाएगी तो क्या होगा, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग थलार्की बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ पीबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर भी क्या होता है, प्रोग्रेस पे रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशंस भी स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी एज में, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल इज कॉल्ड, जब फीमेल को, जब एक गर्ल को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की, मेनोपॉज, डिसमेनोरिया, फिर एमनोरिया। तो क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। जब फीमेल को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मेनार्की बोलते हैं उस टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन अ फीमेल एज ऑफ मेनार्की इज, हम लोग तो जान लिए कि प्यूबर्टी में जब गर्ल को मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्की बोलते हैं। अब कौन से एज में फीमेल को मेनार्की स्टार्ट होता है, 10 ईयर, 13 ईयर, 16 ईयर या 20 ईयर, कौन से ईयर में होगा फ्रेंड्स, तो 10 ईयर। जनरली हम लोग 11 टू 13 ईयर है जो कि हम लोग ऑन एवरेज लेते हैं, तो 13 ईयर्स हमारा आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सिग्निफिकेंट प्रोफिलेशन ऑफ फैट अकॉर्डिंग टू द ब्रेस्ट, इनमें कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि ब्रेस्ट के अराउंड फैट का प्रोफिलेशन यानी कि डिपोजिशन हो जाता है, कौन सा ऐसा हार्मोन का है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, FS या फिर टेस्टोस्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस्ट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर इज टर्म्ड एज, जब भी किसी लड़की को, गर्ल को 10 साल से पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट क्वाइसस, प्रीक्वाइसस, एमनोरिया, डिसमेनोरिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीक्वाइसस, क्योंकि वो 10 साल से पहले ही हो जा रहे हैं। नॉर्मल एज क्या होगा, 11 टू 13 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं, परमानेंट सी सेक्शंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज, परमानेंट सी सेक्शंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि परमानेंट मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की, डिसमेनोरिया, एमनोरिया या फिर मेनोपॉज। जब परमानेंटली खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूड एस्पेक्ट, एक को छोड़कर कौन सा ऐसा एंडोक्राइनोलॉजी चेंजेस है जो कि मेनोपॉज के दौरान होते हैं, फॉल इन सीरम एस्ट्रोडियल लेवल या फिर फॉल इन FSH लेवल या फिर इंक्रीज इन LH लेवल या फिर इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, इनमें क्या होगा, सेकेंड नंबर इज करेक्ट, फॉल इन FSH लेवल, जो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं यानी कि डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर मेनोपॉज इंक्रीज द फेशियल हेयर ग्रोथ अकर ड्यू टू, मेनोपॉज के बाद क्या होता है, फेशियल हेयर क्या होता है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, तो किस कारण की वजह से, फॉल इन FSH लेवल या फिर इंक्रीज इन LH लेवल या फिर डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड्रोजन रेशियो या फिर डिक्रीज एंड्रोजन लेवल, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तीन में से सी नंबर इज करेक्ट, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन रेशियो।
क्या होता है, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन और एंड्रोजन लेवल का क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इसी से फेशियल हेयर ग्रोथ होना अकर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी ओवेस पेशेंट्स हैव अ लेस चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ, क्या होता है, जब पुवर्टी में जो भी पेशेंट्स होते हैं ओबेस हो जाते हैं आफ्टर पुवर्टी, क्या मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाता है उनको, लेस चांसेस होता है किस चीज़ का, ऑस्टियोपोरोसिस होने का। तो किस वजह से, फॉल इन FSH लेवल, फॉल इन LH लेवल, या फिर कन्वर्जन ऑफ अ मोर एंड्रोजन इंटू एस्ट्रोजन लेवल, या फिर कन्वर्जन ऑफ मोर एस्ट्रोजन इंटू एंड्रोजन लेवल, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो इनमें हमारा जो सी नंबर है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर, इन अ फीमेल चेंजेस अकरिंग आफ्टर मेनोपॉज इंक्लूड, एक फीमेल में क्या होता है मेनोपॉज के बाद जो चेंजेस होते हैं वो किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, यूट्रस बिकम स्मॉलर, द वजाइनल बिकम नैरो, ओवरीज श्रिंक इन साइज, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इनमें ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल इज करेक्ट आंसर। फीमेल्स में जो यूट्रस होते हैं वो स्मॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, वजाइना नैरो हो जाती है, और ओवरी जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि अब इनका फंक्शन खत्म हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, गलत है, एट द बोर्ड यूटराइन बॉडीज एंड द सर्विक्स रेशियो इज अबाउट 1:2, वेन मेनार्की ऑकर द रेशियो बिटवीन यूटराइन बॉडी एंड द सर्विक्स बिकम 1:1, एंड नेक्स्ट वन इज आफ्टर मेनार्की द रेशियो बिटवीन द यूटराइन बॉडी एंड द सर्विक्स बिकम 2:1, आफ्टर मेनोपॉज द रेशियो इज रिमेन्स 3:1, तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है हमारा डी नंबर वो आंसर के अनुसार करेक्ट होगा, यानी कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो गलत स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर मेनोपॉज अ वुमन बिकम मोर प्रोन टू डेवलप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज, एक जो फीमेल है वुमेन है वो आफ्टर मेनोपॉज के बाद क्या होते हैं ज़्यादा प्रोन होने लगती हैं, क्या, डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस फीमेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसका रीज़न क्या होता है, फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल, या फिर इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, या फिर फॉल इन LH लेवल, या फिर फॉल इन FSH लेवल, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल, जो भी फीमेल का एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, उनके वजह से जो बोन की डेंसिटी है वो घटने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, इन अ पोस्ट मेंस्ट्रुअल फीमेल विच इज़ अ प्रिंसिपल हार्मोन यूज टू हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो भी पोस्ट मेंस्ट्रुअल मेनोपॉजल फीमेल है, यानी कि जो जिनका मेनोपॉज हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, यानी कि 45 ईयर के जो ऊपर के एज के फीमेल हैं, विच इज़ अ प्रिंसिपल हार्मोन ड्यू हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो क्या कौन सा जो हार्मोन होता है जो कि रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल हार्मोन होता है, वो एक हार्मोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेस्ट्रोन लेवल, या फिर FSH, या फिर एस्ट्रोजन, या फिर LH, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना पड़ता है एस्ट्रोजन का। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स 14 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय द डिले मेनोपॉज, क्या मतलब होता है जब फीमेल को डिले मेनोपॉज होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन मेनोपॉज डजंट अकर बियॉन्ड 45 ईयर ऑफ एज, व्हेन मेनोपॉज डजंट अकर बियॉन्ड 40 ईयर ऑफ एज, या फिर व्हेन मेनोपॉज डजंट अकर बियॉन्ड 50 ईयर ऑफ एज, या फिर व्हेन मेनोपॉज डजंट अकर बियॉन्ड 55 ईयर ऑफ एज, तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो इनमें से हमारा होगा डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, व्हेन मेनोपॉज डजंट अकर बियॉन्ड 55 ईयर, जब मेनोपॉज नहीं आता है, कब,
55 ईयर के एज में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिलेड मेनोपॉजल। और ये बहुत सारे रेयर फीमेल्स में ही होते हैं कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफेलिस। जो सिफेलिस डिजीज़ है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? फर्स्ट है क्लैडियम ट्रैकोमैटिस, या फिर ट्रिपोनेमा पेडिलम, या फिर पॉक्स वायरस, या फिर हेमोफिलिस ड्यूस्क्रीज। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा सेकंड नंबर इज करेक्ट आंसर, जो सिफेलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कैंकोर। जो हमारा कैंकोर डिजीज है उसका क्या है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? क्लेडो क्लैमेडिया ट्रैकोमैटिस, या फिर ट्रेपोमेना प्लेडमी, या फिर पॉक्स वायरस, या फिर लास्ट वन इज हेमोफिलस डिक्रीज। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बात करते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन्फेक्शन ऑफ अ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। जब फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसको हम लोग टर्म को क्या बोलते हैं? एपेंडिसाइटिस, ब्रोथोलिनटाइटिस, या फिर स्लैपिनटाइटिस, या फिर इंड्रोमेटाइटिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उस जब फीमेल में जो भी फेलोपियन ट्यूब है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या, स्लैपिनटाइटिस। जब भी जो फेलोपियन ट्यूब को कौन सा वर्ड डिनोट करता है, स्लैपिनटाइटिस। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और वो पेनफुल होता है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया, डिसमेनोरेजिया, एमेनोरिया, या मेनोपॉज। उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डिसमेनोरिया, जब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 19 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज़ अ नॉट अ काउज ऑफ प्राइमरी डिसमेनोरिया। इसमें कौन सा ऐसा कॉज है जो कि प्राइमरी डिसमेनोरिया का नहीं है? नैरोइंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, यूटराइन हाइपरप्लासिया, या फिर इंक्रीज्ड वैसोपिरिन रिलीज, या फिर लास्ट वन इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। इनमें कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्राइमरी डिसमेनोरिया इज अ मेनली फाउंडिंग। जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है मेनली किस में फाउंड होता है, किस में पाया देखा जाता है? एडोलसेंस गर्ल्स में, प्रेगनेंट वुमेन में, फीमेल एबव 35 ईयर, या फिर फीमेल एबव 45 ईयर्स एज में। तो हम लोग किस में देखेंगे फ्रेंड्स, सॉरी एडोलसेंस जो गर्ल्स होती हैं उनमें हमें प्राइमरी डिसमेनोरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल इज टर्म्ड एज। जब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, साइक्लिक जो नॉर्मल इंटरवल हुआ है और उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग हो रहा है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया, ईपी मेनोरेजिया, या फिर मेट्रोमेजिया, या फिर डिसमेनोरिया। इसको हम टर्म को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, मेनोमेरेजिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, साइक्लिक ब्लीडिंग इन विच ड्यूरेशन ऑफ एमसी इज रिड्यूस टू 21 डेज और लेस इन टर्म्ड एज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी साइक्लिक ब्लीडिंग है उसका ड्यूरेशन क्या हो गया, घट के 21 दिन आ गया और या फिर उससे कम हो गया, मेनोमेरेजिया, एपी मेनोरेजिया, या फिर मेट्रोमेजिया, या फिर डिसमेनोरिया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एपी मेनोमेरेजिया, एपी मेनोरिया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप थ्योरी पार्ट्स पढ़ोगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको जो भी डाउट्स हो रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलीमेनोरिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज मेनोमेरेजिया, एपीमेनोमेरेजिया, या फिर मेट्रोमेरेजिया, या फिर डिसमेनोरिया। इसको हम टर्म में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, जो पॉलीमेनोरिया हो रहा है उसको हम बोलेंगे एपीमेनोरिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 नंबर जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेगुलर और साइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म एज, जो भी इरेगुलर और साइक्लिक ब्लीडिंग हो रहा है यूट्रस के थ्रू उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनोमेरेजिया या फिर इपीमेनोरिया या फिर मेट्रोमेरेजिया या फिर डिसमेनोरिया, इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो मेट्रोमेरेजिया इसका सी नंबर आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, When the menstrual bleeding is less and last for the less than 2 days is termed as, जो भी menstrual bleeding हो रहा है उसमें क्या भीरी लेस बहुत ही कम और जो लास्ट यानी कि 2 दिन का ही हो रहा है या फिर 2 दिन से कम हो रहा है उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलिमेनोरिया, एमनोरिया या फिर हाइपोमेनोरिया या फिर डिसमेनोरिया, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया, क्योंकि वो बहुत ही कम हो रहा है और जो हाइपो वर्ड होता है वो लो को डिक्रीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड इज टर्म्ड एज, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान क्या होता है एब्सेंस रहता है उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल एमनोरिया, एपीमेनोरिया या फिर हाइपरमेनोरिया या फिर डिसमेनोरिया, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, जो फिजियोलॉजिकल जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है एब्सेंस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया, जो मेनोरेजिया का कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, फाइब्रोइड यूट्रस या फिर एड्रोमायसिस या फिर डिसफंक्शन यूटराइन ब्लीडिंग या फिर ऑल, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल इज करेक्ट आंसर, इनमें जितने भी है वो सारे कॉजेस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड एक्सेसिव दैट इज द डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, उस मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कह रहा है, कंडीशन विच ब्लीडिंग इज़ इरेगुलर, जब ब्लीडिंग इरेगुलर हो रहा है और एक्सेसिव दैट डिफिकल्ट आइडेंटिफाई मेंस्ट्रुएशन, और हमें जो मेंस्ट्रुएशन है उसको क्या कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोमेरेजिया, मेट्रोमेरेजिया, हाइपरमेनोरिया या फिर मेनोमेट्रोजिया, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो मेनोमेट्रोजिया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, Which of the following tumor marker is used for the diagnosis of ovarian germ cycles tumor? जो भी हमारा क्या है ट्यूमर है, जो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है उस चीज़ को यूज़ कर हम लोग जब ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर को डायग्नोसिस करेंगे तो किस चीज़ का यूज़ करके करेंगे, CA125, LDH या फिर SCCS या फिर TAG72, तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, LDH का यूज़ करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म DUB, जो DUB का फुल फॉर्म है वो क्या है, डायरेक्ट यूटराइन ब्लीडिंग, डायरेक्ट यूटराइन ब्लड वेसल्स, डिसफंक्शन यूटराइन ब्लीडिंग या फिर डिसफंक्शन यूटराइन ब्लीडिंग वेसल्स, तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा आंसर सी नंबर इज़ करेक्ट, डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग इज करेक्ट, DUB का फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग इन विच देर इज अ नो क्लिनिकल डिटेक्टेबल पेल्विक पैथोलॉजी इज अ प्रेजेंट नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डिसमेनोरिया, सॉरी मेनोमेरेजिया या फिर पॉलीमेनोरिया या फिर डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग या फिर डिसमेनोरिया, तो हम लोग क्या होगा, डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इन फॉलोइंग हार्मोनल थेरेपी इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ DUB, जो क्या है हमारा DUB का हम हार्मोनल थेरेपी का मैनेजमेंट हम लोग किस चीज़ से यूज़ करेंगे, कंट्रासेप्टिव पिल्स, नॉरएथिलीन एसीटेट या फिर 17-alpha-ethylene टेस्टोस्टेरोन या फिर ऑल ऑफ द वर्ब, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द वर्ब, और जितने भी हैं सबका ही हम लोग यूज़ करेंगे हार्मोनल थेरेपी में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, फॉलोइंग ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ एंडोमेट्रियल रिसेक्शंस इन द फीमेल विच
विथ डी यू बी स्पेक्ट एक को छोड़कर ऐसा कौन सा इंडिकेशन है जो कि इंडोमेट्रियल रिसेक्शन में फीमेल में यूज किया जाता है? डी यू, फीमेल हु इज ओवर 35 ईयर एज, या फिर फीमेल हु हैव कंप्लीटेड हर फैमिली, फीमेल हु डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंट इंडोमेट्रियल पैथोलॉजी सच एज कैंसर, या फिर फीमेल हु इज न्यूली मैरिड। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लास्ट वन, फीमेल हु इज न्यूली मैरिड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम्स सिंड्रोम का सिम्टम्स है जो कि इंक्लूड है? यूज ऑफ ब्रोंकोक्रिप्टिन, या फिर यूज ऑफ एंटी डिप्रेशन, या फिर पायरोडॉक्सिन, या फिर ऑल। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द वो, इनमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में यूज़ किए जाएंगे ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोलिसिस इज, कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनोलिसिस को क्या करता है, कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ऑप्शन क्या हमारा है? कैंडिडियस एब्लिकस, टीनिया क्यूरियसियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, या फिर गोनोकोकी। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, कैंडिडिया एब्लिकस जो होगा उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ वेजनाइटिस इज द चाइल्ड बियरिंग पीरियड, जो फीमेल चाइल्ड बीरिंग पीरियड में है मोस्ट कॉमन काउज उनको वेजनाइटिस का क्या हो सकता है? तो फर्स्ट हमारा ट्रिकोमोनियास, या फिर मोनिलियास, या फिर एट्रोपिक वेजाइनल, या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट होगा, ट्रिकोमोनियास जो होगा मोस्ट कॉमन काउज करेगा वेजनाइटिस को। नेक्स्ट बात करते हैं, वेजाइनल ट्रिकोमोनियास इज अ मोर हार्मफुल वेन, कब ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है? पीएच ऑफ वेजाइनल रेंज बिटवीन 1 to 2, पीएच ऑफ वेजाइनल रेंज बिटवीन 3 बिटवीन 4 एंड 6 बिटवीन 4, या फिर 9 साइड इफेक्ट चेंजेस इन पीएच। इनमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सही नंबर, पीएच ऑफ वेजाइनल रेंज बिटवीन 6 and 7 होगा, तो क्या करेगा? हार्मफुल होगा वेजाइनल ट्रिकोमोनास के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना इन अ वुमेन आफ्टर मेनोपॉज इज कॉल्ड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सीनियल वेजाइनाइटिस, क्लेमेंडिया वेजाइनाइटिस, या फिर क्रॉनिक वेजाइनाइटिस। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो बी नंबर इज आवर करेक्ट आंसर, सीनियल वेजाइनाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? प्रेजेंस ऑफ येलोइश और ब्लड मिक्स्ड वजाइना डिस्चार्ज आफ्टर मेनोपॉज एंड वल्वा प्यूटाइटिस आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ, जो क्या है येलोइश और ब्लड मिक्स हो रहा है वजाइना में डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर मेनोपॉज के बाद, वल्वा प्यूटाइटिस आर द किस चीज़ का मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहा है मेनोपॉज का, या फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, या फिर एटिपिकल मेनोरेजिया, या फिर सीनाइल वेजाइनाइटिस, हमें किस चीज़ का देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? तो लास्ट वाला आंसर सही है, सीनाइल वेजाइनाइटिस का हमें काउजेस देखने को, मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ सीनाइल वेजाइनाइटिस, जो सीनाइल वेजाइनाइटिस है उसका कॉमन कॉजेस क्या है? इंक्रीज FSH लेवल, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन, या फिर एंड्रोजन डिफिशियंसी। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी के वजह से ही ये डिजीज़ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फीमेल पॉसिबिलिटी फॉर अकरिंग एक्यूट इंड्रोमेटाइटिस इज मोर आफ्टर मेनोपॉज, या फिर आफ्टर मेनार्की, या फिर आफ्टर वोशन और चाइल्ड बर्थ, या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड हुड। हमें कब देखने को मिलेगा इंडोमेटाइटिस? जब इंडोमेट्रियल में जो इंडोमेट्रियल लेयर है उनमें इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा, तो हम कब देखने को मिलेगा? आफ्टर एवर्शन और चाइल्ड बर्थ, जब भी चाइल्ड बर्थ या फिर एवर्शन हो रहा है उसके बाद हमें
एंडोमेटाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ इज़ मोर कॉमन इन फॉलोइंग फीमेल। कौन सी ऐसी फीमेल है जिनमें पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कॉमनली? मेंस्ट्रुएटिंग एडोलेसेंस गर्ल्स या हैविंग मेनी सेक्सुअल्स पार्टनर या फिर प्रीवियस हिस्ट्री है PID का, या फिर क्या है ऑल ऑफ द वर्ब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द वर्ब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जो फीमेल मेंस जो एडल्सेंस गर्ल है मेंस्ट्रुअल साइकिल उन्हें आ रहा है वो भी हो सकते हैं, और जिनके बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या फिर जिनको PID का क्या प्रीवियस हिस्ट्री है, उन इन सभी में हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? PID इज अ इन फीमेल हु आर मेंस्ट्रुएटिंग, PID इज अ मोर कॉमन इन वुमेन हु आर यूजिंग इंट्राउटराइन डिवाइस, PID इज अ मोर कॉमन इन वुमेन हु आर चॉकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर PID इज अ लेस कॉमन इन वुमेन हैविंग ओनली सिंगल सेक्सुअल पार्टनर। तो इनमें क्या होगा फ्रेंड्स, तीन नंबर हमारा करेक्ट होगा। PID जो है कि मोर कॉमन उन फीमेल्स में देखने को मिलते हैं जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हैं। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इंक्लूड। कौन सा ऐसा साइन सिम्टम है जो कि PID का सिम्टम्स इंक्लूड है इसमें? लोअर एब्डोमिनल पेन, फीवर, इरेगुलर एंड एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, या फिर ऑल ऑफ द वेब। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इन सभी जो ऑप्शन है वो क्या करेक्ट है, ऑल ऑफ द वेब। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इन फॉलोइंग विच इज अ मोस्ट रिलायबल मेथड टू डायग्नोज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या हो सकता है, लेप्रोस्कोपी देखने को, लेप्रोस्कोपी करवाएंगे जब हमें PID हुआ है तो, या फिर सोनोग्राफी करवाएंगे, या फिर क्लूडोसिंथेसिस करवाएंगे, या फिर ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे, कौन सा ऐसा डायग्नोसिस करवाएंगे जिससे हमें पता चले कि उन्हें PID हुआ है? तो हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी करवाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि फीमेल को PID है या फिर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है कि जो कि STI, STD नहीं है? कैंकोर, सिफेलिस, फिब्रोइड यूट्रस, या फिर एड्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इनमें कौन सा ऐसा है, तो है जो फिब्रोइड यूट्रस है जो कि STI नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 47 नंबर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लिम्फोग्रैनुलोमा विनरस इज कॉज बाई। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है लिम्फोग्रैनुलोमा विनरस, उसका कॉजेटिव या फिर जो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ट्रेपोमा पैलिडोमा या फिर क्लाइडेमा ट्रैकोमाइटिस या फिर हेमोफेलस ड्यूक्रियस या फिर HIV। तो हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर इज करेक्ट आंसर, क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस जो होता है कॉज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हु डिस्कवर्ड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस था जो कि जिस हम लोग HIV भी बोलते हैं, उसको किसने खोज किया था, पाश्चर एंड फ्रेडमैन ने, या फिर रोबोचुक ने, या फिर वॉटसन ने, या फिर बैरी शिनियोसी ने? तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, बैरियस सीओसीज में। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या है 49 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मेल टू फीमेल इज हाई, ब्रेस्ट फीडिंग मे ऑल्सो हैव अ कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, द वर्टिकल ट्रांसमिशन टू न्यू बॉर्न टू ऑफ इन्फेक्टेड मदर इज अबाउट 14-25% चांसेस, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम फीमेल टू मेल इज अ हाई। इनमें से कौन सा गलत होगा फ्रेंड्स, डी नंबर इज जो हमारा आंसर है करेक्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम फीमेल टू मेल ये देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो फीमेल से नहीं बल्कि मेल से ज़्यादा फीमेल में HIV होने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर एच आई वी इन्फेक्शन देर इज इम्यूनो डिफिशियंसी मेनली ड्यू टू, किस वजह से जो हमारा इम्यूनो डिफिशियंसी है वो होता है किस आफ्टर एच आई वी होने के बाद, तो क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज नंबर ऑफ CD4 टी लिम्फोसाइट, इंक्रीज नंबर ऑफ CD4 टी लिम्फोसाइट, या फिर डिक्रीज नंबर ऑफ RBC या फिर इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, तो हमारा जो ए नंबर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज नंबर ऑफ CD4 टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, फ्लोइंग टेस्टिस आर डन टू आइडेंटिफाई HIV इन्फेक्शंस एस्पेक्ट, कौन सा ऐसा HIV इन्फेक्शंस का क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, जिसमें एक को छोड़कर एलिसा के थ्रू या फिर वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू या फिर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के थ्रू या फिर विडाल टेस्ट के थ्रू। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट, जो कि हम लोग HIV के लिए नहीं बल्कि टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ अ नॉट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गोनोकुलर स्लैपिंगडाइटिस, जो गोनोकोकल स्लैपिंगडाइटिस जो डिजीज़ है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें से कौन नहीं है। तो हमें फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में स्पेक्ट हो गया, नॉट हो गया, फॉल्स हो गया, इस वर्ड का इस्तेमाल किया रहता है, और अगर हम इन ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे। तो क्या होगा इसमें फ्रेंड्स, इट इज़ अ ट्रांसमिटेड बाय अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, या फिर इट इज़ अ वे बायलैटरल इन्फेक्शन, इट अकर मेनली ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, या फिर इट इज़ अलवेज यूनिलैटरल इन्फेक्शंस। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, डी नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, इट इज़ अलवेज यूनिलैटरल इन्फेक्शंस, बायलेटरल नहीं हो सकता, यूनिलैटरल नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पायोजेनिक स्लैपिंगडाइटिस, जो पायोजेनिक स्लैपिंगडाइटिस है उसका क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इट इज़ ऑल्सो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिटेड, इट इज़ ऑलवेज यूनिलैटरल इन्फेक्शन, इट अकर मेनली ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, या फिर इन्फेक्शन अकर मेनली आफ्टर एबॉर्शन या फिर चाइल्ड। तो हमारा क्या होगा, डी नंबर इज करेक्ट, इन्फेक्शन अकर मेनली आफ्टर एंड एबॉर्शन चाइल्ड। इसमें हमें देखने को क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, जब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैपिंगडाइटिस या फिर हाइड्रोस्लैपिंगिंस या फिर फेलोप्यूबिटिस, फेलोप्यूबिटिस या फिर हाइड्रोफेलो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, हाइड्रोस्लैपिंगिंस। नेक्स्ट बात करते हैं, 55 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी स्टम, जब ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो स्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओफराइटिस, हाइड्रोसेलस, सल्फिंगाइटिस या फिर ओफोरेक्टोमी, जो ओफोरेक्टोमी टर्म होता है वो क्या होता है, ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए ओटा आइटिस वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो हमारा ओवरी को इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाएगा तो ओफोगाइटिस वर्ड टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, मोस्टली कॉमन यूज्ड एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ विजाइनल ट्रेकोमोनास, किस कौन सा ऐसा मतलब ट्रीटमेंट है जो कि इफेक्टिव रहता है, सिफेक्समी, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेट्रोनिडाजोल या फिर जेंटामाइसिन। तो हम क्या यूज़ करते हैं, मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं वेजाइनल ट्रेकोमोनास। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द कंडीशन इन विच कंप्लीट यूट्रस टर्न बैकवर्ड इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बर्थ कैनाल इज टर्म, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेट्रोवायरस ऑफ यूट्रस, एंटी रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या फिर एंट्रोफ्लेक्शंस ऑफ यूट्रस। तो इसमें क्या होगा, रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस इज और करेक्ट टर्म्स, उस टर्म को हम लोग रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस बोलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी। जो नॉर्मल पोजीशन होता है यूट्रस का पेल्विक कैविटी में, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कैविटी को रेट्रोवर्टर और रेट्रोफ्लेक्स्ड, रेट्रोवर्टर या फिर एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड या रेट्रोफ्लेक्स्ड या फिर एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो हमारा क्या होगा, डी नंबर इज करेक्ट, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट बात करते हैं 59 नंबर, द स्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस इंक्लूड। जब कोई यूट्रस को प्रोवाइड सपोर्ट करता है उसके स्ट्रक्चर में, तो क्या उस किस चीज़ में इंक्लूड किया गया, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, सर्वाइको विजाइनल जंक्शन या फिर ऑल ऑफ द वर्ब। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो 60 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या कह रहे हैं, इटियोलॉजी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिटल प्रोलैप्स इंक्लूड फॉलो एक्सेप्ट। जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है किस चीज़ के लिए, जेनिटल प्रोलैप्स के लिए, वो कौन सा है, एक को छोड़कर, पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोपी, रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, डिक्रीज वेट ऑफ द यूट्रस या फिर कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो हमारा डी नंबर, डिक्रीज वेट ऑफ यूट्रस इज, छोड़कर सारे आंसर क्या होंगे, सही होंगे फ्रेंड्स। एक्सपेक्ट कह रहे हो तो एक्सपेक्ट में छोड़ा जाता है। इन फॉलोइंग विच इज़ अ नॉट इम्पॉर्टेंट एक्वायर्ड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इज अ जेनिटल प्रोलैप्स। जो भी जेनिटल प्रोलैप्स का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट एक्वायर्ड फैक्टर्स है जो कि इनमें है बताना। इंजरी टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी या फिर कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस या फिर अंडर न्यूट्रिशन या फिर इंक्रीज द वेट ऑफ यूट्रस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ए नंबर जो है ऑप्शन सही होगा, इंजरी टू द सपोर्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ यूटराइन प्रोलैप्स इन विच द एक्सटर्नल ओएस डिसेंड outside the vaginal opening but the uterine body doesn't protrude and still remain inside the uterus। The first degree, second degree, third degree या fourth degree, कौन सा इनमें से सही होगा फ्रेंड्स, तो थर्ड डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 63 नंबर, द टाइप ऑफ यूटराइन प्रोलैप्स इन विच द यूटराइन बॉडी प्रोट्रूड आउटसाइड द इंट्रोक्वाइटस। जब भी इंट्रोक्वाइटस हो रहा है तो कौन सा ऐसा यूटराइन प्रोलैप्स है जो कि बॉडी यूटराइन बॉडी को क्या करेगा, प्रोट्रूड करेगा आउटसाइड में। तो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री करेगा, सेकेंड डिग्री करेगा, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री, कौन सा इनमें से आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो इनमें क्या होगा, थर्ड डिग्री हमारा आंसर करेक्ट होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, जो हमारा 62 नंबर क्वेश्चंस है उनमें जो है क्या है, वो हमारा सेकंड डिग्री होगा, क्या होगा इनमें, जो सेकंड डिग्री होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 64 नंबर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जेनिटल प्रोलैप्स इंक्लूड डिस्यूरिया, बैकएक, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल या फिर ऑल ऑफ द, कौन सा ऐसा जेनिटल प्रोलैप्स का साइन सिम्टम्स है जो कि इंक्लूडेड है, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ऑल ऑफ द अबव, इनमें हमें सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं साइन सिम्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अ फीमेल मूव अबाउट सी फील दैट समथिंग इज कमिंग डाउन थ्रू द वजाइना। जो फीमेल है वो मूव करती हैं, सी फील दैट समथिंग इज वजाइना थ्रू द, वो फील करती है कि वजाइना के थ्रू कुछ निकल रहा है। फीमेल इज अ सफरिंग फ्रॉम, और वो किस चीज़ से सफ़र करती हैं, डी यू बी से या फिर रेट्रोवजाइनल फेस्टुला से या फिर जेनिटल प्रोलैप्स से या फिर सर्वाइकल कैंसर से। तो वो किस चीज़ से सफ़र करती है फ्रेंड्स, जेनिटल प्रोलैप्स से।
जेनेटिक प्रोलैप्स होता है तो लगता है ऐसा फील कि अंदर से कुछ, सॉरी फ्रेंड, अंदर से कुछ निकल रहा हो ऐसा उनको फीलिंग आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन हाउ मेनी केसेस टू केसेस ऑफ टोटल इनफर्टिलिटी मेल आर रिस्पॉन्सिबल। कितने परसेंट केसेस होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी में मेल का रिस्पॉन्सिबल होता है, 8-10% टोटल केस में, या फिर 20-25, या फिर 30-40, या 50-60। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो हमारा कितना होता है, 30-40% जो मेल होते हैं वो टोटल केस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन कार्टर जेनर सिंड्रोम, जो कार्टर जेनर सिंड्रोम होते हैं उनमें क्या देखा जाता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, देर इज अ नो लॉस ऑफ सिलियरी फंक्शन एंड स्पर्म मोटिलिटी, या फिर एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू पेनेट्रेट ओवम इंक्रीज, या फिर एबिलिटी ऑफ विजाइना कैनाल टू रिसीव स्पर्म इंक्रीज। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो हमारा सेकेंड होगा, देर इज अ नो लॉस ऑफ सिलियरी फंक्शन एंड स्पर्म मोटिलिटी। जो स्पर्म का क्या होता है, सिलियरी फंक्शन लॉस रहेगा और जो स्पर्म मोटिलिटी रहता है उसमें भी कमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंजेनाइटल फैक्टर रिलेटेड टू अ मेल डैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी इंक्लूड। तो क्या हो सकता है, अनडिसेंट्रिसिटी, हाइपोस्पैडीज, या फिर कार्टर जेनर सिंड्रोम, या सभी इनमें से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, सभी देखने को मिल सकता है जो कि मेल में इनफर्टिलिटी का रिस्पॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 69 नंबर जो क्वेश्चन हमारे क्या है, मेल विथ हाइपोस्पैडीसिस। जब मेल को हाइपोस्पैडीसिस होता है तो क्या देखने को मिलता है, अनएबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, वो स्पर्म को प्रोडक्शन करने में क्या सक्षम नहीं है, अनएबल टू डिपोजिट स्पर्म इन विजाइना, वो विजाइना में क्या इंटरकोर्स के दौरान डिपोजिट नहीं हो सकता है स्पर्म, अनेबल टू पास यूरिन, और वो जो मेल है वो यूरिन पास नहीं कर सकते, या फिर अनेबल टू डिपोज स्पर्म डीप इन विजाइना, विजाइना में अंदर तक क्या हो सकता है डिपोजिट नहीं कर सकते हैं वो मेल, अनेबल है। तो इसमें क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, हमारा लास्ट वन इज करेक्ट आंसर, अनेबल टू डिपोजिट स्पर्म इन डीप विजाइना, नहीं होगा तो उसका फर्टिलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन कंडीशन दैट रेज द स्क्रोटल टेम्परेचर इज इंक्लूड। जो स्क्रोटल टेम्परेचर है वैसा कौन सा कंडीशन है जिसमें कि राइज हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, वेरी वेरी कोशल, या फिर बिग हाइड्रोसेल, या फिर फिलराइसिस, या फिर इनमें से सभी। तो इन जो ये हमारा क्या है, इनमें से जो सभी हैं, सभी कंडीशंस में स्क्रोटल टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इज ओस्पर्मिक मेल। जो ओस्पर्मिक मेल हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कॉमन किस मेल में देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में, या फिर टर्नर सिंड्रोम में, कन्फेंटल सिंड्रोम में, या फिर कार्टर जेनर सिंड्रोम में। तो किस में देखने को मिलेगा ज़्यादा, कन्फेंटल सिंड्रोम के जो पर्सन होते हैं उनमें ये क्रोमोसोमल एबिटी ओस्पर्मिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेस्टिकुलर फेलियर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ गोनाडोट्रोफिन इज टर्म्ड एज। जो टेस्टिकुलर फेलियर है और डिफिशियंसी ऑफ गोनाडोट्रोफिन है उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनफेंडर सिंड्रोम, कलमन सिंड्रोम, कार्टर जेनर सिंड्रोम, या फिर यंग सिंड्रोम। तो सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, कलमन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉल्ट इन फीमेल में काउज इनफर्टिलिटी इंक्लूड। जो भी क्या है इनफर्टिलिटी हो रहा है फेल में, फॉल्ट हो रहा है, वो कॉजेज क्या हो सकता है, मम्स और चाइटिस, या फिर इंक्रीज स्क्रोटल टेम्परेचर, अनडिसेंट्रिसिटी, या फिर सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन है वो क्या हुआ, करेक्ट होंगे, सभी के कारण मेल में डिफॉल्ट देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इन फॉलोइंग विच फैक्टर इज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। ऐसा कौन सा जो कंडीशन है, ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता इनफर्टिलिटी में, इनमें से ऑप्शन में।
ल्यूक्रेटिव फेस डिफेक्ट में, या फिर एक्यूट रेट्रोवायरल यूट्रस में, या फिर एंटी रेट्रोवायरल यूट्रस में, या फिर वेजाइनल एट्राइसिया में। तो हमें क्या देखने को मिलता है, एंटी वर्टेड यूट्रस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इनफर्टिलिटी में। नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, पीएच ऑफ नॉर्मल सीमेन। आप ये क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में फ्रेंड्स, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पीएच ऑफ नॉर्मल सीमेन, चलिए मैं बता देती हूँ। पहला क्या होगा, 3.5 से 4.5, या 5.5 से 6.5, या 7.2 से 7.8, या फिर 8.5 से 9.3। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर होगा सी नंबर, 7.2 से 7.8, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल होता है स्पर्म का, नॉर्मल पीएच न्यूट्रल होता है वो, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। नेक्स्ट बात, चलिए 76 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अ नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन सीमेन इज अबाउट। हमारा जो नॉर्मल स्पर्म का, जो सीमेन का, स्पर्म का नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होता है, 5 मिलियन पर और मोर, या फिर 10 मिलियन पर ml, या फिर मोर, या फिर 20 ml पर ml, 20 मिलियन पर ml और उससे ज़्यादा, या फिर 50 ml, 50 मिलियन पर ml, या फिर उससे ज़्यादा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 20 मिलियन पर ml और उससे ज़्यादा हो सकता है सीमेन का, स्पर्म का सीमेन में कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, बात करते हैं अब्सेंस ऑफ सीमेन फॉर्मेशन इज नोन एज। जब सीमेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, यानी कि अब्सेंस है, तो उसको, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्पर्मिया, या फिर एजोस्पर्मिया, या फिर एस्थोनोस्पर्मिया, या फिर टेट्रोजोस्पर्मिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ए नंबर इज करेक्ट आंसर, अस्पर्मिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच देर इज स्पर्मेटोजोवा आर प्रेजेंट इन द सीमेन, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, फिर एस्थोनोस्पर्मिया, या फिर टेट्रोजोस्पर्मिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उस टर्म को क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिडक्शन इन द मोर्टलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन एज। जब भी रिडक्शन हो रहा है स्पर्म का, स्पर्म में मोर्टलिटी रेट का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, या फिर टेट्रोजोस्पर्मिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्पर्मिया, उस टर्म को बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द कंडीशन इन विच देर इज अ हाईली नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एब नॉर्मल स्पर्मेटोजोवा इन सीमेन। तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सारा हम लोग ये टर्म को देख चुके हैं, तो हमारा लास्ट वाला बचा है, तो इस मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मल स्पर्मेटोवा सीमेन में देखने को क्या मिलता है, टेट्रोजोस्पर्मिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब्सेंस ऑफ फ्रोस्ट्रोज कंटेंट इन सीमेन इंडिकेट। जब भी क्या सीमेन में फ्रुक्टोज कंटेंट अब्सेंस रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, अब्सेंस ऑफ वन टेस्टिस, कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर अब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लास्ट नंबर इज करेक्ट, कंजेनाइटल स्पर्म ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमिकल वेसल्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा जो 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फॉलोइंग विच मेडिसिन यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। जो हमारा क्या होता है इनफर्टिलिटी है, हमको ट्रीटमेंट करना है, तो कौन सा है, जब एंटी स्पर्म एंटीबॉडी प्रेजेंस है, तो उसको हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, कौन सा मेडिसिन, GNR थेरेपी, या फिर डेक्स्ट्रोमेथाजोन, या फिर डॉक्सीसाइक्लेज, या फिर क्लोमेफेरनोल साइट्रिक। तो हम इसको क्या प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स, हमको इसको डेक्स्ट्रोमेथाजोन प्रोवाइड करेंगे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए।
आप मेडिसिन से भी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर है फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ फीमेल विथ इनफर्टिलिटी विच ड्रग इज़ यूज फॉर इंडक्शंस ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन को करवाने के लिए ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो जब फीमेल इनफर्टिलिटी हो रही है और उसका ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो उसको इंडक्शन कराने के लिए कौन सा मेडिसिन का, कौन सा ड्रग्स का यूज़ करेंगे? क्लोम्पेरफेन, सिट्रेट या फिर FSH या फिर GnRH या फिर ऑल ऑफ द वर्ब। तो उसको क्या कराएंगे फ्रेंड्स, सारे मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम 84 नंबर क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूटल फेज डिफेक्ट। कौन सा ऐसा कॉमन ट्रीटमेंट है जो ल्यूटल फेज में डिफेक्ट देखा जाता है? प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, इस्ट्रोजन थेरेपी, एंटीबॉडी या फिर डेक्सामेथासोन। कौन सा ट्रीटमेंट देंगे फ्रेंड्स, कॉमन ट्रीटमेंट है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, हम उसको पेशेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस ऑफ द इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशंस एक्सेप्ट। एक को छोड़कर ऐसा कौन सा है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशंस है? तो सर्वाइकल स्टेनोसिस, हाइपोस्पेडिया या फिर एस्थेनोस्पर्मिया या फिर रिकरेंट एवोर्शन। तो हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, रिकरेंट एवोर्शंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमाउंट ऑफ वॉस्ट एंड कंसंट्रेटेड स्पर्म दैट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द यूटराइन कैविटी ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस हो रहे हैं कहाँ, यूटराइन कैविटी में क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो स्पर्म का कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ वॉस्ट एंड जो कंसंट्रेशन है स्पर्म का वो कितना मतलब होना चाहिए, एडमिनिस्टर होना चाहिए, 1 ml, 2 ml, 0.3 ml या फिर 0.1 ml। तो कितना होना चाहिए, 0.3 ml ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, इंसेमेशंस होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमेशन हो रहा है तब। नेक्स्ट बात करते हैं, एट विच स्टेज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटराइन कैविटी ड्यूरिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब IVF कर रहे हैं फ्रेंड्स, यूटराइन कैविटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओवा का, तो कौन सा स्टेज में फर्टिलाइज्ड होता है, 1 to 2 सेल स्टेज या फिर 2 से 4 सेल स्टेज या फिर 4 से 8 सेल स्टेज या फिर 16 से 24 सेल स्टेज। तो कौन सा में हम लोग इम्प्लांट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे? तो जब 4 से 8 सेल बन चुका होगा तब हम यूट्रस में उसको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्थ हैजार्ड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूड मल्टी प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर ऑल ऑफ द वर्ब। तो इनमें क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द वर्ब। साइकोलॉजिकल में भी करेंगे, इट्रोपी में भी करेंगे और मल्टी प्रेगनेंसी में भी हम लोग इसको, इस टेक्निक को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ अ कॉमेंस्ट बिगिन शोल्ड सॉलिड ट्यूमर इन फीमेन। ऐसा कौन सा बेनाइन सॉलिड ट्यूमर है जो कि बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है, फिब्रॉइड, यूट्रस, वेजाइनल सिस्ट, सर्वाइकल सिस्ट या फिर सर्वाइकल कैंसर। तो कौन सा देखने को मिलता है फ्रेंड्स, फिब्रॉइड यूट्रस है जो कि बहुत ही कॉमन बेनाइन सॉलिड यूट्रस फीमेल में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 90 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ फिब्रॉइड इज फाउंड। जो हाइएस्ट फाइब्रॉइड है प्रिवलेंस का वो कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, जो फीमेल 35 से 45 साल की एज की हैं या फिर 10 से 12 साल की है या फिर पोस्ट मेनोपोजल वुमेन है या फिर फीमेल अबव 70 साल की ऊपर की हैं। तो हमें किन में देखने को मिलेगा, जो फीमेल 35 से 45 साल की हैं उनमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ अ क्लासिक सिम्टम्स ऑफ यूटराइन फिब्रॉइड। मेनोरेसिया, पेन इन लोअर एब्डोमेन, डिसमेनोरिया, प्यूरलेंट, वेजाइनल डिस्चार्ज। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मेनोरेसिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स, इन फॉलोइंग विच इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फिब्रॉइड।
In following, which is the life-threatening complication of fibroid? Prolonged menorrhagia, severe infections leading to peritonitis, या फिर सेक्रोमा या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव. जो भी ऑप्शंस हैं उनमें सभी में कॉम्प्लिकेशंस फिब्रॉइड के हैं वो देखे जा सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द डिसपेरिमिया. डिसपेरिमिया का मतलब क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेनफुल ड्यूरिंग सेक्स एक्ट, या फिर पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग. तो हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो पेनफुल जब सेक्स एक्ट होता है, पेनफुल क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसपेरोमिया, पेरोनिया. नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लोइंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर एस्पेक्ट. एक को छोड़कर कौन सा ऐसा मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर है? ओलियोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, एमनोरिया, फिर राइनोरिया. राइनोरिया है जो कि हमारा नोज रिलेटेड डिजीज है. जब रनिंग नोज होते हैं तो उसको हम लोग राइनोरिया बोलते हैं. तो ये फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोमेट्रियोसिस. इन्फ्लामेशन इंडोमेट्रियम, या फिर इनलार्ज इंडोमेट्रियम, या फिर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग इंडोमेट्रियम इन लेस वेरी इज द बॉडी अदर दैन यूटराइन म्यूकोसा, या फिर कार्सिनोमा ऑफ इंडोमेट्रियम. तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा फ्रेंड्स? कौन सा ऑप्शन? सी नंबर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉमन साइट ऑफ इंडोमेट्रियोसिस इज, जो इंडोमेट्रियोसिस हो रहा है उसका कॉमन साइट क्या होगा? ओवरी में, या फिर एब्डोमिनल स्कार आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, या फिर एब्डोमिनल स्कार आफ्टर LSCS में, या फिर ऑल. तो इसमें हमें क्या है, ऑल देखने को मिलेगा. सभी में हमें कॉमन साइट देखने को मिलता है. नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ आर नॉट अ सिम्टम्स ऑफ इंडोमेट्रियोसिस. इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो कि इंडोमेट्रियोसिस का नहीं है? डिसमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, पेनफुल सेक्स एक्ट, या फिर पेल्विक पेन. तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? हाइपोमेनोरिया जो होता है, इसमें सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडोमेट्रियोसिस इंक्लूड. जो इंडोमेट्रियोसिस का ड्रग है ट्रीटमेंट के लिए, वो कौन सा ड्रग है? कंबाइंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल, या फिर डेनाजोल, या फिर RNH एनोग्लस, या फिर ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबव. जो भी इनमें से ऑप्शन है वो सभी क्या देखने को मिलेंगे, यूज करेंगे हम लोग इंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इन स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इन सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो सेकेंड स्टेज है सर्वाइकल कैंसर का, वो कैसे हम लोग पहचानेंगे? कार्सिनोमा स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू द सर्विक्स, द कार्सिनोमा एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक्स बट नॉट टू द पेल्विक वॉल, द कार्सिनोमा हैज़ एक्सटेंडेड टू द पेल्विक ट्रू पेल्विक, या फिर कार्सिनोमा हैज़ एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ट्रू पेल्विक. तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? बी नंबर हमारा आंसर करेक्ट होगा. देन लास्ट हम क्वेश्चन जो हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं. स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, जो हमारा क्या है सर्वाइकल कैंसर का स्टेजिंग है, जो प्राइमरी स्टेज है, उस किस चीज़ पे बेस्ड होता है? सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, या फिर एज ऑफ फीमेल, या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या फिर ऑल. तो जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है उस पर ही बेस्ड करते हैं हम लोग प्राइमरी बेस्ड जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल कैंसर उसका स्टेज हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही उसको देखेंगे, पता करेंगे. तो ये CHO और प्लस NORSET का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, हम आपको आंसर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना से हो सके उतना से अपने फ्रेंड्स जो CHO का तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो वैकेंसी आ चुका है तो आप प्रिपरेशन साथ में करते चलिएगा. और जो हमारा गायनेकोलॉजी का आज था 100 क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस किए, सॉल्व किए. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, बाय बाय.